अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शाह जी। कल फिर आवारी होटल में डिस्कशन हुई है जी, जहांगीर आसमा जहांगीर पीस कॉन्फ्रेंस। हाँ, उसमें वो जी मुझे पता लगा, पहला सेशन तो मैं मिस कर गया था, लेकिन गलती हुई मुझे, कुछ थोड़ी सी मसरूफियत थी। कल संडे को मैं फारिग था तो मैं चला गया आवारी में, पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें मेरी तवक्को मुझे नहीं थी कि इतने बोर किस्म के, मैंने जब जर्नलिज्म शुरू की 87 में तो एज ए रिपोर्टर था मैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स में या मुख्तलिफ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कभी इतना मुझे रश मिला ही नहीं था। वो मुश्किल लोग आते थे, लेकिन ये इन्होंने आसमा जहांगीर के बच्चों ने, मुनीज़े ने और के साहबजादे ने, इन्होंने मिल के जो कोशिश की, और जितनी अव्वल तो आसमा जहांगीर ख़ुद एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक छोटे से जिस्म में एक कदावर शख्सियत थी वो इंटरनेशनल। उन्होंने जो कुछ मुल्क के लिए किया, मुल्क के ह्यूमन राइट्स के लिए जो कुछ किया, आम आदमी के लिए, कानून के लिहाज से कानूनी, क्योंकि वो एक वकील थी, उनकी खिदमात बिल्कुल हैं। उन्होंने भी मारें भी खाई, उन्होंने मार्शल लॉज के ख़िलाफ़ तहरीकें, यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में उन एक प्रोटेस्ट के दौरान उनके साथ जिस तरीके से सलूक किया गया, वो बहुत बहादुर, बहुत अजीम खातून थी। तो उनका एक वो सेशन मुझे अटेंड करने का मौका मिला, तो वो सेशन था जी, उसमें वो हमारी जो हुकूमत के तीन, जिनको थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके हवाले से था। उसमें पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, इसके ऊपर जो शख्सियात आई हुई थी, पहले तो मैं उनकी बात करता हूँ। बात यह है कि उसमें उन्होंने बुलाया हुआ था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाकान अब्बासी साहब थे, सैनेटर रज़ा रब्बानी साहब थे, नफीसा शाह साहबा थी, अली ज़फ़र साहब थे। इन्होंने अपने हवाले से अपने मुख्तलिफ बातें की हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कैसे एब्रोगेट किया गया और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ चले लोग, हमारे हुकूमतें, हमारे इदारे। लेकिन बात यह है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी मज़े की बातें भी की। इन्होंने कहा जी कि इदारों, यानी आपस में तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बात करनी चाहिए, मिल के बैठना चाहिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो शुरू करना चाहता हूँ अपनी बात, मैं सबसे पहले शाहिद ख़ाकान अब्बासी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे बताइए कि दुनिया के किस मुल्क में 13 जमातें मिल के, अपोजिशन की जमातें, एक पार्टी को जिसको अक्सरियत मिली हुई है उसको साइड पे करके हुकूमत बना के हुकूमत चला रही हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? कहाँ पे है दुनिया में? दूसरा सवाल, आपने हुकूमत बना ली, उसके बाद आपने अवाम की बातें करते हैं, अवाम के लिए किया, अवाम के लिए किया, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स आप कहते हैं जी कि हम इकॉनमी को भी खड़ा करेंगे, वो सवाल बाद की बात है। सवाल ये है कि आपने उसके बाद 75 लोगों की कैबिनेट बनाई, जिसका एक आधे महीने का ही खर्चा जो है 1.1 ट्रिलियन रुपीज़, 1 खरब रुपए से ज़्यादा, तो ये जस्टिफाइड है? आप जिस लेवल के आप शख्सियत हैं, कदावर शख्सियत हैं, उसके हवाले से मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या आप इसके जस्टिफाइड है, आपका, आपको ऐसा करना चाहिए था? अब आते हैं हम इन तीन इदारों के हवाले से कि आप उनकी बात करते हैं, पार्लियामेंट हो गई, एग्जेक्टिव जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया आ गई, जुडिशरी। बात यह है कि सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब भी हैं इसी तरह, आप लोगों ने बात की कि जी एक वाइडर डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए। मेरा यहाँ पर सवाल आता है, बात किस से करें और कौन बात करेगा? आप अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, आप यानी यू आर नॉट ए पॉलिटिशियन बाई चॉइस, अव्वल तो आप पॉलिटिशियन है ही नहीं, आप एक ग्रुप है जिसके आप तमाम ये चारों लोग जो है ना नुमाइंदे हैं, नुमाइंदा हैं। मसलन शाहिद ख़ाकान अब्बासी साहब हैं, इनके वालिद एयरफोर्स में थे, ये फ़ौज के नुमाइंदे हो गए। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब, इनका भी ज़रा पढ़ें आप, इनके वालिद अता रब्बानी, कायद अजम के फर्स्ट ADC, एयरफोर्स का ऑफिसर थे, ठीक है, ये भी फौज के नुमाइंदे हो गए। उसके बाद नफीसा शाह साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहब सिंध से, कायम अली शाह साहब की साहबजादी, क्या ये पॉलिटिशियन बाय चॉइस हैं? फिर वही पॉलिटिशियन बाय चॉइस नहीं है, इनको ख़ानदान से मिली है, विरासत विरासत में मिली है, तो
पॉलिटिक्स ये है, दुनिया में कहाँ पे पॉलिटिक्स विरासत की है, आप बरतानिया देख लें, जो हम जिनको फॉलो करते हैं, जिन दो बड़े बड़े बरतानिया को और इनको, वहाँ पे कहाँ पे किस ख़ानदान से ऐसे चलते हैं। उसके बाद अली ज़फ़र साहब हैं, एस एम ज़फ़र साहब के साहबजादे, एस एम ज़फ़र साहब भी साबिक मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, बहुत जैद, बहुत सीनियर रहनुमा रहे हैं। बात यह कि ये तो वो लोग थे चार जो उसमें आए थे, उसके अलावा ज़रा इंटरनेट आप खोलें, आप ज़रा उस पर सर्च करें, यानी आपको परेशानी होगी देख के कि हमारी पॉलिटिक्स है क्या। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सियासत बराए कारोबार है, ताकत है, धंधा है। हाँ वही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे चलते हैं, हम सियासी जमातों के ऊपर आ जाते हैं साथ ही। असद उमर साहब, ज़ुबैर उमर साहब, ये दोनों भाई हैं, असद साहब पीटीआई में, ज़ुबैर साहब नून लीग में, लेकिन इन दोनों के वालिद कौन हैं? मेजर जनरल ग़ुलाम उमर। दोनों भाई हैं, दोनों फ़ौज के नुमाइंदे हैं। मैं माजरत के साथ अब ये बात कर रहा हूँ कि फ़ौज के नुमाइंदे हैं, यानी ये पार्लियामेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं अभी किसी और इदारे के ऊपर नहीं आ रहा। कि पार्लियामेंट के अंदर आप हमारी देखिए कि ये क्या क्या लोग हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, फिर ये पीटीआई और नून लीग का आ जाता है। मियां मोहम्मद अजहर साहब, साबिक गवर्नर, ज़रा इंटरनेट पे आप गूगल पे कीजिए, जाइए, आपको पता लगेगा ये कौन है। नून लीग के साबिक गवर्नर, आगे से हमाद अजहर साहब कौन है, ज़रा इनकी तरफ आइए, ये पीटीआई के कर्ता धरता है। ठीक है, आप ये सोचिए, ये चंद नाम हैं। जुल्फी बुखारी साहब को देख लीजिए, इनके वालिद जुल्फी बुखारी साहब लंदन में रहे, बहुत पैसा सब कुछ है, लेकिन इनको भी सियासत विरासत में मिल रही है। इनके जो वालिद थे वाजिद हुसैन बुखारी साहब, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में वजीर माहौलियात या एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये क्या चीज़ है, क्या ये आम शख्स की नुमाइंदा है? ये नहीं है, मेरी इसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है। नफीसा शाह साहबा सिंध के वडेरे ख़ानदान, पीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, पीर ख़ानदान से मेरा भी ताल्लुक़ है, गिलानी हूँ मैं अभी, लेकिन मेरा ख़ानदान सियासी नहीं है। मैंने इन पाकिस्तान की इन सड़कों पे जून जुलाई की गर्मी में ऑफिस से निकल के सड़क पे मैंने बसों का इंतज़ार किया, मैंने वैगनों का इंतज़ार किया है। जो चीज़ मुझे पता है, जो चीज़ मैं समझ सकता हूँ, जो तकलीफ़ मुझे है वो ये नहीं समझ सकते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सेंटर रज़ा रब्बानी साहब, इनके पास मेरा यकीन है, मुझे 100% है कि इन्होंने शायद ही बसों पे वैगनों पे सफ़र किया हो। बिल्कुल, इनके पास, क्योंकि वालिदैन इनके वालिद जो थे दोनों के, वो कितने बड़े अफसरान थे एयरफोर्स के, इनके पास सब चीज़ होगी। असद उमर साहब के पास, इनके वालिद भी मेजर जनरल ग़ुलाम उमर साहब, यहिया खान के दौर में, ये यहिया खान के करीब थे बहुत। तो आप इन लोगों को, ये लोग ये असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये कोई सरमायादार का नुमाइंदा है, कोई जागीरदार का नुमाइंदा है, कोई किसी पीर ख़ानदान का नुमाइंदा है, ये लोग आम आदमी के नुमाइंदे नहीं हैं। तकरीबन ये, मैं इनको नहीं मानता ये। अब बात करते हैं, ये लोग, इन्होंने सारों ने कल तनकीद की कि जी इदारे जो हैं बीच में पड़ते हैं। बात यह है कि फवाद हसन फवाद साहब को, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको कौन आगे लेके आया? नवाज शरीफ की फैमिली थी ना, पॉलिटिशियन नहीं है वो सरमायादार हैं। ठीक है, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, आर्मी को किसने, कौन आगे लेके आता है? अब आर्मी के आप बात करते हैं, आर्मी के ऊपर आप हर इल्ज़ाम डाल देते हैं। शायद खान अब्बासी साहब, क्या इनको आना चाहिए था? ये आए अपने कारोबार के चक्कर में। सेंटर रज़ा रब्बानी साहब, हम्माद अजहर साहब, असद उमर साहब, ये सब लोग क्या हैं? ये किसी ना किसी के नुमाइंदे हैं, किसी टॉप के किसी ग्रुप के नुमाइंदे हैं। जिस तरह मिफ्ता इस्माइल ने बात की थी ना कि ये मुल्क जो है सिर्फ 1% इलीट के लिए, रूलिंग इलीट जो है वो लोग इसके मालिक बने हुए हैं, वही इसके लिए करते हैं। नफीसा शाह साहबा ने कल इमरान खान को लताड़ा, मैं इमरान खान का बिल्कुल हामी नहीं हूँ, मैं आज खुल के बात करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली पीपल्स पार्टी की थी, अब तक पीपल्स पार्टी की हैं।
जी, लेकिन नफीसा शाह साहबा आपने कहा कि जी इमरान खान इलेक्शंस मांगता है, मेरे हल्के में सैलाब है, 20 फुट पानी खड़ा हुआ, तो आप लाहौर में क्या कर रही हैं? आप इदारे में तकरीर करने आ गई हैं, आप अपने आप को लॉन्च करने के लिए आ रही हैं दोबारा से कि नेक्स्ट इलेक्शंस में आपने फिर सामने आना है, आपने फिर उन्हीं सिंधी हारियों का नुमाइंदा बनना है जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया, आप लाहौर में बैठी हैं। आपको अगर इतना ही डर था, आप अपने हल्के में जाएं, लोगों के लिए कुछ करें, कोई जरिया बनाएं, आपके पास फोर्स है, पावर है, आपने कुछ नहीं किया। आप यहाँ पे लाहौर आई हैं, आप सिर्फ अपने आप को मनवाने के लिए कि देखो मैं इस जगह पे बैठ के मैं क्या बात कर रही हूँ, इलेक्शंस की वो बात करता है, वो मांगता है, वो दिस एंड दैट, आप उसको भूल जाएं। आप बताएं आप क्या उन लोगों की नुमाइंदा हैं। मैं खुद एज स्टूडेंट, मैं आपको एक वाक्य आज बताता हूँ। मैं उस वक्त BSc में पढ़ रहा था, 1981-82 की बात है। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी अच्छे 7-8 मुरब्बों के मालिक थे, लुडन वेआड़ी साइड पे उनकी ज़मीनें थी। दिसंबर की छुट्टियों में उन्होंने कहा जी कि आप आइएगा उधर मेरे साथ चलें। लो जी हमें वो ले गए, हम 3-4 दोस्त गए वहाँ पे। उन्होंने अपने गांव में बताया कि जी ये गिलानी सैयद हैं और लाहौर से मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, दिस दैट। लो जी शाम को डेरे पर बैठे हैं, वही जो वहाँ पर डेरे का होता है स्टाइल, चारपाइयाँ बिछी हुई हैं। यार मैं अकेला बैठा हुआ था वहाँ पे, बूढ़े लोग आगे बैठे हैं, नीचे बैठ गए हैं, वो मेरे पैरों में बैठ गया एक बाबा, सफ़ेद सर भवें सफ़ेद। अच्छा। मैं उससे कहूँ आप ऊपर आइए, वो कहता ना मुर्शद गुनाहगार कर दे सी। ये हाल है जब ऐसी जगह होगी, आप जिसको कहेंगे वो आपको वोट देगा, आप आम आदमी के नुमाइंदा नहीं हैं। आम आदमी के नुमाइंदा अगर बनाना है तो मुझे बनाएं आप। मैं शायद अगर मुझे ये फोर्सेस इजाज़त दें काम करने की, तो मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, और XYZ जिस जो इस सड़क पे चलता है, जो गाड़ी के अंदर, जो जहाज़ के अंदर, वो नहीं, वो वाले लोग नहीं करेंगे। आप कहते हैं जी आप बात करेंगे, डायलॉग होना चाहिए, वाइडर डायलॉग, ये रबानी साहब ने जो कहा था वाइडर डायलॉग, किसके साथ करेंगे आप? उन्हीं 1% लोगों में करेंगे। मैं थोड़ी सी और सख्त बात करता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सेंटर रजा रब्बानी साहब, असद उमर साहब, ज़ुबैर उमर साहब, आपकी बैकग्राउंड आर्मी की, आपके वालदैन वालिद सब के आर्मी के थे। वीडियो पॉलोजी, मैं आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं आर्मी के हक में हूँ, उस पर भी बात करूँगा। आप लोगों को जब कोई बात होती है, बैक डोर डिप्लोमेसी की बात जब करते हैं, बैक डोर चैनल की बात करते हैं, क्या आप आर्मी से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते, या आर्मी आपकी हेल्प नहीं करती है? मैं तो मानता हूं कि आर्मी करती होगी। नवाज शरीफ साहब ने जब बैकडोर गपशप शुरू की है तो ज़ुबैर उमर साहब नहीं होंगे, ज़ुबैर उमर साहब उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते होंगे। असद उमर साहब, इमरान खान ने कहा जी बैक डोर डिप्लोमेसी या बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो नाकाम हो गई हैं, क्या असद उमर ने उसमें हेल्प नहीं की होगी? ज़ियाउल हक़ के साहब ज़्यादा साहब जो हैं, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई हुई थी, चलो वो तो भी साइड पे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता। लेकिन ये लोग जो इस वक्त सामने हैं, क्या ये आपके मेरे नुमाइंदा हैं? नहीं हैं, ये हमारे नुमाइंदा नहीं हैं। अब बात करते हैं आर्मी की, आप बात करते हैं ना इदारे, ब्यूरोक्रेसी को किसने स्ट्रॉन्ग किया, ब्यूरोक्रेसी को आगे कौन लेके आया? मसलन कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने बयान में उन्होंने कहा था जी कि जो पहली वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया, वो छुट्टी कराई गई, वो ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे। ग़ुलाम मोहम्मद साहब कौन थे? ग़ुलाम मोहम्मद साहब एक ब्यूरोक्रेट थे, उनको आगे कौन लेके आया? ये 50s की बात है, कौन लेके आया उनको आगे? आप ये पॉलिटिशियंस नहीं, ये वही लोग जो नाअहल थे, जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहते हैं, उस दौर में भी जागीरदार सरमायादार ही थे ना जो हमारे नुमाइंदा बने हुए थे। मुस्लिम लीग किसकी बनाई हुई? ये मुसलमानों की तो थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर कौन थे? अमीर उमरा थे मुसलमानों के, ठीक है। आपने उसको आगे लेके आया, ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने फारिग कर दिया, उसके बाद आपकी जुडिशरी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया अपने इंटरेस्ट्स के लिए कि आप स्ट्रांग रहें। कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये भी बात की, उन्होंने कहा जी कि एक जज जो है वो कहता है जी मुझ पे प्रेशर था इसलिए मैंने फैसला दिया ऐसा। तो भाई जज भी एक आम आदमी है ना, नौकरी कर रहा है, उसकी मजबूरी है, उसने फैसला देना है। जब उसके सामने एक ऐसा बंदा आगे खड़ा होगा जिसकी जेब में हथियार होगा, वो खामोशी से वही लिख करेगा, वही लिखेगा। ये सियासत पाकिस्तान की, ये सियासत है।
आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? आपने अगर कुछ करना है, यहाँ पे अब आगे बात ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत ख़तरनाक बातें हो जाएंगी। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे करता हूँ। अब मैं कहूँगा कि आर्मी वापस आ जाए, इसलिए कि हम जो खरबों रुपया इन असेंबलीज़ और इनके ऊपर खर्च रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी को हम पेट्रोल देते हैं, जो हम वज़ीरों को पेट्रोल दे रहे हैं, उनको इतना कुछ दे रहे हैं, उसको ख़त्म करें, या तो उसको ख़त्म करें, ये असेंबलीज़ को ख़त्म करें। आर्मी, जिसने आप इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि आर्मी ने गड़बड़ की थी, आर्मी ने आप लोगों की वजह से गड़बड़ की थी, आर्मी ही इसको ठीक करेगी। आर्मी को आना चाहिए, आर्मी को स्टेप लेना चाहिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसके बाद आर्मी बैरिक्स में चली जाए। ये है मेरे पास तो हल। यानी ये वो सियासतदान, अपने आप को सियासतदान कहते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, लेकिन फिर मैं आखिरी बात लास्ट में कहूँगा, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये सरमायादार, जागीरदार या उन ग्रुप्स के नुमाइंदे हैं जो इस मुल्क में 75 साल से इकतदार पे काबिज़ हैं। मैं इलेक्शन लड़ने का नहीं सोच सकता, इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपने सिस्टम ऐसा बनाया है कि आप जिसके पास पैसा है वो लड़ सकता है। आपने ख़ानदान बनाए हैं, ख़ानदान खड़े किए हैं। आप इस पर आइए ना ज़रा, इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर आपको इतने ख़ानदान नज़र आएंगे ना, क्योंकि बंगश ख़ानदान और ये उधर से वो वली खान ख़ानदान है, जिस तरह मैंने बताया मियाँ अज़हर ख़ानदान है, ठीक है, इसी तरह आप उस तरफ चले जाइए, आप अपने मुफ्ती महमूद साहब के। अच्छा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है अब तो, मुझे लगता है पाकिस्तान पैटी स्टेट्स हैं, जो स्पेन में थी ना, उस तरह से पाकिस्तान में पैटी स्टेट्स हैं, छोटी छोटी, चौधरी गुजरात के, वो वली खान चारसदा के, लाहौर के शरीफ ख़ानदान, वो सियालकोट के ख्वाजगान, ख्वाजा आसिफ साहब जो है, इनके वालिद भी कौन है, देख लेना, सियासतदान ही है ना। अहसन इकबाल के की वालदा कौन है, सियासतदान ही है ना। यानी ये वो लोग हैं जो मेरे नुमाइंदे नहीं हैं, आम आदमी के, आपके मेरे नुमाइंदा नहीं हैं। इनको ठीक करने के लिए फिर वही तो यही में बात ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।